नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं कीर्ति। आज बड़ी चर्चा में बात होगी महंगाई के खिलाफ कांग्रेस के हल्ला बोल की। देश में बढ़ते तेल के दाम से लेकर कांग्रेस सत्ता में, महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ने आज देश भर में विरोध प्रदर्शन किया। पेट्रोल पंप पर सुबह 11 बजे से प्रदर्शन शुरू किया। साथ ही साथ कांग्रेस कार्यकर्ता केंद्र सरकार की गलत नीतियों को जनता के बीच पहुंचाने का काम भी कर रहे हैं। अलग अलग जगहों के प्रदर्शन की तस्वीरें भी आपको दिखा दे। तो आज एक बड़ा विषय ये भी है कि क्या पेट्रोल डीजल से ही विकास होगा, क्योंकि विकास दरअसल इस वक्त सिर्फ पेट्रोल और डीजल के दामों में ही हो रहा है। पर सरकार कह रही है कि विकास के लिए पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाना जरूरी है। हाल फिलहाल पेट्रोल में कोई रियायत मिलती नहीं दिख रही है। बता दें, पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ कांग्रेस के देशव्यापी प्रदर्शन के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में भी पार्टी के नेता सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। लखनऊ के साथ ही प्रयागराज, मेरठ, आगरा, लखनऊ, कानपुर समेत कई जिलों में प्रदर्शन हो रहा है। लेकिन सरकार कांग्रेस के प्रदर्शन को इजाजत देने के मूड में नजर नहीं आ रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू का हाउस अरेस्ट इसकी सिर्फ वानगी भर है। तो कांग्रेस का प्रदर्शन बढ़ती महंगाई को लेकर आज पूरे देश भर में किया गया, और उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी था, लेकिन कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को हाउस अरेस्ट कर लिया गया। तो आज का बड़ा सवाल यही है कि विकास की राह अगर पकड़नी है तो लगातार क्या पेट्रोल और डीजल के दाम इसी के साथ बढ़ते रहेंगे, और क्या कमी आएगी पेट्रोल और डीजल में? तो इसी पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस से पक्ष रखेंगे आशीष कोटारिया, वहीं बीजेपी नेता हमारे साथ विवेक श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं। स्वागत है आप दोनों का। तो सबसे पहला सवाल मेरा विवेक जी आपसे है, लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है, क्या जनता को दामों में कुछ राहत मिलेगी? विवेक जी आपको सुनाई पड़ रहा? उन दोनों चीजों को ना तो भारत सरकार ना कर सरकार पूरी जीएसटी के दायरे में लाने को सहमत नहीं है। दोनों को इससे इतनी मोटी आय होती कि उनकी तमाम अधिकारिक गतिविधियां इससे सुचारू रूप से चल पाती है। कोई भी इससे मिलने वाले टैक्स का लोभ छोड़ नहीं पा रहा। रही बात भारत सरकार की, तो भारत सरकार के जो विकास उन्होंने किया वो तो सब दिखाई पड़ रहा है। और जो आज कांग्रेस जिस ढकोसले के साथ इसको आज धरना प्रदर्शन करने का कार्यक्रम लेके आई है, सबसे ज्यादा तो महंगा पेट्रोल राजस्थान में है जहाँ कांग्रेस की सरकार है। अगर आप इसके गंभीर हैं और जनता को कुछ गंभीरता से देना चाहते हैं इसमें रियायत, तो सबसे पहले जो कांग्रेस की राज्य सरकार है वो उसको इस पे अपना टैक्स कम कर दे। लेकिन कब तक ये राज्य सरकारों पे ये आरोप लगाना किस हद तक सही है कि वैट बढ़ाया है इस वजह से दाम में बढ़ोतरी हो रही है? केंद्र सरकार की भी तो कुछ जिम्मेदारी है, अगर राज्यों के पास तो कुछ ही विकल्प रह जाते हैं ना अपने राजस्व को बढ़ाने के। देखिए, केंद्र के पास जिम्मेदारियां बहुत हैं, खर्चे बहुत हैं, और उनके पास साधन जो हैं वो यही सब सीमित साधन है। राज्य सरकारों के पास खर्चे उतने नहीं है, उनके मोर्चे नहीं है खर्चों के, और उसके बावजूद भी राज्य सरकारें इस पे अपना टैक्स बढ़ाती चली जा रही है। सबसे महंगा पेट्रोल तो राजस्थान में है और कांग्रेस इस पे छाती पीट रही है। कांग्रेस को बेहतर होगा अगर सरकार से कुछ दिशा निर्देश देना चाहती थी कांग्रेस को, सरकार को, तो कांग्रेस को अपने राज्यों में इस पे वैट कम कर देना चाहिए, वहां पे सस्ता हो जाएगा, केंद्र सरकार के पास एक विकल्प हो जाएगा, एक प्रेशर होगा। लेकिन कांग्रेस ऐसा ना करके केवल जनता में घूम घूम करके ढोल पीट करके, ये जो खोखली ढोल है उसको पीट करके लगातार। आशीष कोटारिया जी, आपको अगर सुनाई पड़ रहा होगा तो आपको समझ में आया कि विवेक जी क्या कह रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। या तो राज्य सरकारें कहती है कि केंद्र सरकार कम करे, हमारे ऊपर भार है, केंद्र सरकार कहती है राज्य सरकारें अपने वैट को घटाकर जनता को सहूलियत दे सकते हैं, लेकिन इस बीच पिस जो जाती है वो जनता पे जाती है। और आज तो आप लोगों ने
प्रदर्शन भी किया? देखिए, सर्वप्रथम तो उनके प्रश्न का उत्तर दूंगा मैं। उन्होंने कहा था कि राजस्थान में सबसे ज्यादा है पेट्रोल डीजल का मूल्य और अशोक गहलोत जी की सरकार निरंतर वेट बढ़ा रही है। मुझे मैं आपको एक आंकड़ों के साथ तथ्यात्मक बताता हूँ कि वर्ष 2014-15 में मोदी जी ने गति संभाली थी प्रधानमंत्री के पद की, तब सेंट्रल गवर्नमेंट पेट्रोल और डीजल पर जो एक्साइज ड्यूटी लेती थी वो थी 9.48 रुपए और 3.56 रुपए, और पिछले 6 वर्षों में आज पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी का मूल्य पहुंच गया है 32.90 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल पर, और प्रति लीटर डीजल पर 31.80 रुपए। यानी कि एक आम जन की जेबों से धन लूट कर स्वयं का राजकोष भरने का कार्य ये मोदी सरकार कर रही है। और ये मैंने उत्तर नहीं दिया है, वो केंद्रीय राज्य वित्त मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी ने लोकसभा में उत्तर दिया था कि पिछले 6 वर्षों में देश में सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स कलेक्शन 600% तक 300% तक बढ़ गया है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? यदि राज्य सरकार वेट नहीं बढ़ाएगी तो राज्य सरकार के राजस्व का विकल्प कहां से होगा? आप जीएसटी नहीं दे पा रहे, जीएसटी का कंपनसेशन नहीं दे रहे राज्य सरकारों को। नंबर दो, आज देश में पेट्रोल 100 के पार है, डीजल की कीमत 90 के पार है, सरसों का तेल 200 के पार है, और एलपीजी सिलेंडर जो 2014-15 में 300 रुपए में देश के लोगों को मुहैया होता था वो आज पहुंच गया है 900 के पार। यानी कि आम जन को लूटने का कार्य भाजपा सरकार का उद्देश्य। और सुनिए, मैं आपको ये बताता हूँ कि पिछले 1.5 वर्षों में जब देश COVID-19 संकट का सामना कर रहा था, मोदी सरकार ने एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर 2.5 लाख करोड़ रुपए का राजस्व एकत्रित किया। पिछले 13 महीनों में मोदी सरकार ने 47 टाइम्स पेट्रोल और डीजल पर के मूल्यों में वृद्धि की। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या ये समय है भाजपा सरकार का कि पेट्रोल और डीजल का? मुझे तो दृश्य याद आते कि जब रविशंकर प्रसाद जी, स्मृति ईरानी जी और राजनाथ सिंह जी जब दिल्ली में धरना प्रदर्शन करते थे कि यूपीए सरकार ने पेट्रोल और डीजल के मूल्य बढ़ाए। आज ये सब मंत्री कहाँ है? अपने निवास स्थानों में बैठकर जनता की जेबों से धन लूट कर अपने पूंजीपति साथी जी। विवेक श्रीवास्तव जी, आपको वो तस्वीरें भी याद होंगी सोशल मीडिया पर, आज भी वो मौजूद होंगी जब आपके कार्यकर्ता सड़कों पर उतरते थे, गैस सिलेंडर और पेट्रोल के बढ़ते दामों को लेकर आप लोग प्रदर्शन करते थे तख्तियां हाथ में लेकर, तब यूपीए की सरकार के खिलाफ आपने मोर्चा खोला था और ये नारा लेकर आए थे कि इस बार फलाने की सरकार बहुत हुई महंगाई की मार। लेकिन जिस तरह से हम अपने जो देख रहे हैं उस हिसाब से तो लगातार निरंतर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते ही जा रहे हैं। देखिए, कांग्रेस इस विषय को लेकर के घूम रही है, जब इनके साथ साथ में डीजल पेट्रोल की दाम बढ़ रहे थे, महंगाई बढ़ रही थी, तो सही बात करने धरना प्रदर्शन किया था, देशव्यापी धरना प्रदर्शन किया था, बहुत ही महंगाई की मार अबकी बार मोदी सरकार और हमने सरकार लाई। उस समय देश इनकी घोटालों दर घोटालों से त्रस्त था, देश का पैसा लूट करके इटली ले जाया जा रहा था। इस वक्त जनता पेट्रोल और डीजल की बढ़ती दामों से तंग है। मैं इसी बात पे आ रहा हूँ, आज जो भारत सरकार को स्टेट टैक्स मिलता है उसका विकास दिखाई पड़ रहा है। विवेक जी, की विकास के लिए अब सिर्फ एक ही विकल्प रह गया है, पेट्रोल और डीजल में इजाफा। पेट्रोल और डीजल के दामों में विकास होगा तो विकास की राह आगे बढ़ेगी, यही कहना चाह रहे आप? देखिए, मेरी बात समझने की कोशिश करिए जी, क्योंकि इस समय तमाम आर्थिक गतिविधियां ठप पड़ी हुई, कुछ ही ऐसी चीजें जिससे सरकार को टैक्स मिलता है, उसमें राज्य सरकार भी टैक्स पाती है, भाजपा भी पाती है। ये जो लोग आज यहाँ बोल रहे हैं जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में इस पर चर्चा भी नहीं करते, यदि ये कांग्रेस पार्टी की जो शासित राज्य है उनके मंत्री जीएसटी काउंसिल में आकर इस पर गंभीरता से चर्चा करें तो एक कदाचित जीएसटी काउंसिल पे सहमत होकर किसको जीएसटी के दायरे में ले ले और उससे बहुत बड़ी राहत पूरे देश को मिल जाए। लेकिन ये जहाँ उस पर कुछ हो सकता वहाँ नहीं बोलेंगे, अपने अपने प्रदेश में सबसे महंगा पेट्रोल बेचेंगे और उत्तर प्रदेश में घूम घूम के नौटंकी करेंगे। ये जो ये ढोल की पोल ये हो रही है, बात तो वही आ गई ना, आप करें तो आप विकास का और जनता की भलाई कर रहे हैं, और कांग्रेस अगर प्रदर्शन कर रही है तो वो धक्कियानूसी हो गया एक तरह से, आप कह रहे हैं कि वो सिर्फ पहले अपने राज्य में पेट्रोल डीजल सस्ता करे ना, सबसे महंगा भारत में अगर डीजल पेट्रोल नहीं तो राजस्थान में,
जहाँ राज्य में आपकी सरकारें हैं वहां पे भी तो वैट वसूला जा रहा है ना विवेक जी, कि वहां पर सहूलियत दे दी है। हम तो कह रहे हैं ना कि जो आज की स्थिति में आर्थिक संसाधन सारे राज्यों सरकारों के पास, भारत सरकार के पास नहीं मिलती, इन्हीं से उनको टैक्स तो मिलता है जिससे उनकी आर्थिक गतिविधियां चलती। आशीष जी कुछ इस बात पर बोलना चाह रहे हैं। जी आशीष जी क्या कहना है आपका? वो तो लगता कह रहे हैं इन्होंने सरकारें अपने स्तर से कम क्यों नहीं करती हैं? अगर इतनी देखिए राज्य सरकारें अवश्य अवश्य राज्य सरकारें अपने स्तर पर काम करना चाहिए, किंतु केंद्र सरकार जिस तरीके से एक्साइज ड्यूटी में बेतहाशा वृद्धि कर रही है इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? और मैं तो उनको सुझाव हो चुका है पेट्रोल, और मैं तो उनको सुझाव देना चाहता हूँ कि आप अगर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी में कमी करते हैं तो राज्य सरकारों के हिस्से में राजस्व आएगा ना, ये क्यों बात भाजपा सरकार नहीं समझ रही है? और मुझे बताइए, मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है, उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है, वहां की आप वेट को देख लीजिए और वहां के राजस्व को देख लीजिए, तथ्यात्मक रूप से आपको पता चल जाएगा। और बड़ी आश्चर्य की बात है, एक मिनट, बड़ी आश्चर्य की बात है, 2014 में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें $108 प्रति बैरल थी, तब यूपीए सरकार के शासन में पेट्रोल ₹70 के भीतर था और डीजल ₹50 के भीतर और 55 के आसपास बिकता था। आज अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमत है, मैं कल का मूल्य बता रहा हूं, $69 प्रति बैरल है। भाजपा सरकार पेट्रोल 100 के पार, डीजल 90 के पार, ये किस प्रकार का खेल खेल रहे हैं आप? जब COVID-19 में लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान करनी चाहिए, उसके स्थान पर आप लोगों की जेब से धन लूटकर अपना राजकोष भरने का कार्य कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए देश के प्रधानमंत्री जी को, स्मृति ईरानी जी को, पेट्रोलियम मंत्री जी को और केंद्र सरकार को भी आनी चाहिए, क्योंकि दर्द किसी को नहीं दिख रहा है, सिर्फ राजनीति दिख रही है। राजनीति चमकानी है तो आंदोलन कर लिया जाए, लेकिन दर्द अगर आप लोग को इतना ही दिख रहा होता तो आप राज्य स्तर पर केंद्र सरकार स्तर पर वैट कम करने की कोशिश कर लेते। वेट अवश्य कम करते, आपका प्रश्न बिल्कुल वाजिब है, किंतु उसके लिए राज्य सरकारों के राजस्व का विकल्प ही तो होना चाहिए ना। यदि एक सामान्य अर्थशास्त्र में सामान्य नियम होता है कि यदि केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी में कमी करती है तो राज्य सरकार को मिलने वाले राजस्व में स्वयं वृद्धि हो जाएगी, किंतु केंद्र सरकार ही स्वयं पूरा का पूरा राजस्व ले रही है, तो राज्य सरकार को कहां से राजस्व प्राप्त होगा? मुझे बताइए, ये राजनीति नहीं है। यदि ये राजनीति होती तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आज समूचे देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि के विरुद्ध आंदोलन नहीं करती, क्योंकि हम जन के हितार्थ में कार्य करते हैं। आज देश के लोगों के लिए बात करना आवश्यक हो गया। बिल्कुल विवेक जी, आपने जब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जब आपने इसको जोड़ा तो आप लोग ने बड़ी पीठ थपथपाई कि अब तो जो पेट्रोल और डीजल के दाम है वो अंतरराष्ट्रीय स्तर से तय किए जाएंगे, अगर दाम बढ़ेंगे तो यहाँ पे भी बढ़ेंगे और घटेंगे तो घटेंगे। लेकिन जब $30 प्रति बैरल था तब भी कोई भी कमी नहीं दर्ज की गई, तब भी लोगों को छूट नहीं दी गई, पेट्रोल और डीजल के दाम निरंतर बढ़ते चले जा रहे हैं। देखिए, इसमें केवल अंतरराष्ट्रीय बाजार में डीजल और पेट्रोल के कच्चे तेल का मूल्य घटना मात्र नहीं लगता, इसमें भारत की मुद्रा का मूल्य क्या है, ये सब तमाम चीजें इसमें आती है। विषय यहाँ पे जो भारत सरकार और राज्य सरकार कर सकती है उस पर चर्चा करें। कांग्रेस के मित्र हमारे जिस ढोल को बजाते घूम रहे हैं उस ढोल में बोल है, बेहतर होता कि ढोल को राजस्थान में बजाती, महाराष्ट्र में बजाती। ये अपने अब आपके राज्य सरकारों पे चले गए, मैंने फिर बोला ना राज्य सरकारों के पास तो कुछ थोड़ा बहुत विकल्प रह जाता है राजस्व भरने का अपना। हालांकि मैं ये नहीं कहूंगी उनको मैंने छूट दे दी है कि वो बढ़ा सकते हैं वैट, जितना वैट लगाना चाहे लगा सकते हैं, लेकिन मैं पहले भी आपको स्पष्ट कर चुका हूँ, देखिए राज्य सरकारों के पास विकल्प आर्थिक स्रोत थोड़े होते, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन उनके मुझे भी उतने कम होते हैं। भारत सरकार को पूरे देश के मुद्दे पर काम करना होता, मतलब कि विवेक जी भारत सरकार की जन कल्याणकारी जो आप नीतियां लेके आते हैं जनता के लिए, वो जनता के पैसे से ही तो लेकर आते हैं, यानी कि उनके लिए आप जन कल्याणकारी नीतियां लेके आएंगे, आप पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी करेंगे, मतलब कान इधर सीधे से नहीं तो आप उल्टे से पकड़ लीजिए, लेकिन आप पकड़ कान ही रहे। देखिए सड़क बनना है, भारत सरकार फंडिंग करेगी, 10 साल में इनकी सरकार थी, इन्होंने एक भी रक्षा सौदे को हरी झंडी नहीं दिया। हालात इतने बदतर हो चुके थे कि जिस समय हमारी सरकार आई भारतीय सेना हथियारों की गोला बारूदों की कमी चल रही थी, आज भारतीय सेना के आयुध भंडार भरे हुए हैं और भारतीय सेना की ताकत
क्या है ये बिल्कुल दुनिया हम मान रहे हैं, आप जन कल्याणकारी नीतियां जो ला रहे हैं, जिस तरह से आप लोगों को अनाज पहुंचा रहे हैं, बिल्कुल वो जन कल्याणकारी नीतियां चल रही हैं, लेकिन वो भी तो टैक्स जनता ही पे कर रही है ना विवेक जी। वही तो मैं कह रही हूँ, तो थोड़ी राहत देनी तो बनती है ना जनता को। लेकिन हमारी सरकार इनकी सरकार में जो मूलभूत अंतर है, उस समय देश का पैसा इटली जाता था, आज देश का पैसा किसानों की जेब में जा रहा, आज देश का पैसा वैक्सीन के रूप में फ्री में जनता के पास पहुंच रहा। ये सब तमाम कल्याणकारी योजना है। अच्छा विवेक जी ये बताइए ना, ये बताइए आप भी तो बाहर निकलते होंगे ना, पेट्रोल के दाम जिस तरह से बढ़ रहे हैं निरंतर, उसमें क्या खाएगा, क्या कमाएगा और क्या बचाएगा? हम भी सहमत है की इसको जीएसटी काउंसिल के दायरे में लाया, इस पे जीएसटी काउंसिल विचार करे। हमारी भी व्यक्तिगत मत यही है, इसके लिए सारी राज्य सरकारों को इस पे जीएसटी काउंसिल में विचार करके इसको जीएसटी के दायरे में लाना चाहिए। लेकिन कोई भी राज्य सरकार ऐसा करने की इच्छा शक्ति नहीं रखती, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है जो आज ये ढोलक बजाते हुए यहाँ पर लखनऊ में, महाराष्ट्र में क्या मूल्य में है डीजल पेट्रोल, राजस्थान में क्या क्या मूल्य है, आप बेहतर जान रही हैं, सब देख रही हैं। ये अपने स्टेटों में कुछ करके एक दिशा दे, जीएसटी काउंसिल इसे विचार करे। हम तो चाहते हैं कि जीएसटी के दायरे में आ जाए। बिल्कुल, लेकिन ये तमाम जो चीजें हैं, ये पेट्रोल डीजल की बढ़ती महंगाई, ये राजनीति के पारे, इस पर चर्चा करनी चाहिए और कुछ राहत देनी चाहिए। हालांकि लग नहीं रहा है कि इस वक्त कोई राहत मिलने के आसार है, जिस तरह से आप बातें कर रहे हैं। आशीष जी क्या कहना है आपका, क्या लग रहा है जिस तरह से लगातार जो दाम बढ़ रहे हैं उसको लेकर कांग्रेस जिस तरह से जमीनी स्तर पर उतर कर आंदोलन कर रही है, और आज तो अजय कुमार लल्लू को प्रदेश अध्यक्ष, उन्हें तो हाउस अरेस्ट कर लिया था, यानी कि उनको आज आंदोलन करने की भी इजाजत नहीं दी गई। ये दर्शाता है कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार हमारे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष श्री अजय कुमार लल्लू से डर गई है। अब बात आते हैं पेट्रोल और डीजल के मूल्यों की वृद्धि पर। मैं मानता हूँ देश के वर्तमान में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी, जो कि स्वयं एक अर्थशास्त्री भी है, इनको ये तो समझ होगा कि जब पेट्रोल और डीजल के मूल्य बढ़ते हैं तो इनका प्रत्यक्ष तौर पर प्रभाव देश के रिटेल इन्फ्लेशन रेट पर पड़ता है और कृषि की लागत पर पड़ता है। और जब कृषि की लागत बढ़ जाती है तो किसान की आय कम हो जाती है, और देश में रिटेल इन्फ्लेशन रेट बढ़ता है तो आम जन के नागरिक के घर का बजट बिगड़ जाता है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी और पेट्रोलियम मंत्री जी को इस बात से कोई चिंता नहीं है। उनका तो एक ही उद्देश्य है कि लोगों से जेबों से धन लूटो, सेंट्रल विद्सा प्रोजेक्ट बनाओ, प्रधानमंत्री निवास स्थान बनाओ और बस आराम से सरकार चलाने का कार्य करो। यदि सरकार पेट्रोल और डीजल के मूल्यों में कमी नहीं करेगी तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पूरे देश में धरना प्रदर्शन करेगी, और हम देश के लोगों के हितार्थ में लड़ते हैं, उनके न्याय के लिए लड़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सदैव देश के लोगों के लिए लड़ी है और लड़ती रहेगी। ठीक है, आशीष जी इस वक्त हमारे साथ बीजेपी सांसद कौशल किशोर जी भी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है कौशल किशोर जी आपका। मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह से निरंतर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, क्या कुछ जनता को राहत मिलेगी? पेट्रोल डीजल के दाम कुछ बढ़े हैं ये सही है, और निश्चित तरीके से जल्दी ही राहत मिल जाएगी। वर्तमान समय में आप देख रहे हैं कि हमारी सरकार कोरोना से पूरी तरीके से जूझ रही है, और 80 करोड़ जनता को 6 महीने तक के लिए मुफ्त में राशन देने का प्रधानमंत्री जी ने फैसला किया है, निर्णय लिया है। यही तो दिक्कत है कि महंगाई की बात आप कर रहे हैं, लेकिन महंगाई से पूरी जनता झेल रही है, कोरोना से तो जूझ ही रही थी, अब महंगाई से भी, क्योंकि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते हैं तो और भी कई चीजों के दामों में बढ़ोतरी होती है, चाहे वो खाने के सामान हो या फिर खाद्य पदार्थ हो, तमाम चीजों में बढ़ोतरी दर्ज की जाती है। तो यही तो दिक्कत, समस्या यही है कि महामारी से एक और जनता जूझ रही है, पैसा है नहीं, उसके बाद पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी। नहीं नहीं अभी देखें आप कि केवल डीजल पेट्रोल के ही कुछ दाम बढ़े हैं, बाकी तो 80 करोड़ जनता को मुफ्त में राशन दे रही है हमारी सरकार। गेहूं 3 रुपए किलो चावल 200 के पार गए हैं, इसके अलावा जो है मजदूरों को दे रही है, साल में 6,000 रुपए जो है किसानों को भी सरकार देने का काम कर रही है। लेकिन आज जन कल्याणकारी जो नीतियां हैं वो तो आप हमारे ही टैक्स लेकर हमी से हमी को वापस करते हैं ना, तो आप जनता से लेकर जनता के लिए जन कल्याणकारी नीति चला रहे हैं, तो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाएंगे तो पैसा आएगा, राजस्व भरेगा, उसके बाद आप जनता की मदद करेंगे। सरकार कहीं ना कहीं से टैक्स ही लेकर के तो करेगी, कहीं ना कहीं से तो करेगी, वरना सरकार अलग से तो पैसा नहीं छाप सकती है,
सरकार जो कर रही है मदद, वो मदद करने का काम कर रही है, जो बड़े बड़े लोगों से तमाम टैक्स आ रहा है उससे भी नीचे के लोगों से ज्यादा है, और इसीलिए सरकार जो भी योजना है आमदनी अठन्नी है और जो खर्चा रुपया बढ़ता जा रहा है उसको लेकर इंसान क्या करे। सर हम कह रहे हैं कि सरकार का उद्देश्य है कि लोगों का जीवन बचाना जरूरी है, लोग भूखे ना रहे, लोगों को जरूरत की चीजें उपलब्ध होती रहे, इसलिए सरकार काम कर रही है, इसलिए कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने का काम। कौशल किशोर जी क्या कर रही है सरकार, मिडिल क्लास कहाँ जाए, आप गरीबों को तो राशन फ्री में बांट रहे हैं समझ में आ रहा है, अमीर तो अमीर हो रहे हैं लेकिन मिडिल क्लास बेचारा सफर कर रहा है वो कहाँ जाए। कर रही है सरकार किसानों को जो है 500 रुपए महीने 600 रुपए साल में देने का काम कर रही है, 1000 रुपया मजदूरों को देने का काम कर रही है। वही है ना कि आप घुमा फिरा के जन कल्याणकारी नीतियों को ही गिना रहे हैं कौशल किशोर जी, कल्याणकारी योजनाएं लागू की गई हैं आम आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए, उन्हीं को तो गिनाएंगे जो योजनाएं लागू की गई है। लेकिन आप पेट्रोल और डीजल पर बताइए ना कि कब कमी आएगी, आप तो कह रहे हैं बहुत जल्द आएगी लेकिन हमें जिस तरह से बयान सामने आते हैं पेट्रोल पीयूष गोयल जी का भी बयान सामने आता है उस पर तो हमें कहीं से भी नहीं लग रहा है। पूरी तरीके से सभी काम धीरे 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 करके शुरू होने जा रहे हैं, अभी लॉकडाउन खत्म हुआ है, अब धीरे धीरे सब चीजें पटरी पर आते आते जाएंगे, अर्थव्यवस्था पटरी पर आती जाएगी और पेट्रोल डीजल के दाम स्वतः धीरे धीरे कम होते चले जाएंगे। और इसके साथ ही तीसरी लहर भी आ रही है कौशल किशोर जी, अब आपने कहा अनलॉक की तरफ बढ़ रहे हैं तो कमी आएगी लेकिन कमी तो दर्ज की ही नहीं गई, जब $30 प्रति बैरल था तब भी दाम तो निरंतर बढ़े पेट्रोल डीजल के, तभी राहत देते थे। ठीक है, आपके पीछे का साउंड थोड़ा दिक्कत कर रहा है। आशीष आपको क्या लगता है, जिस तरह से कौशल किशोर जी भी लगा अभी हमारे साथ जुड़े थे और वो कह रहे थे कि हम दामों में वृद्धि जल्द ही जो हो रही है उसको कम करने का प्रयास करेंगे, लेकिन ये प्रयास कहीं से भी सामने निकल कर नहीं आ रहा है। ये प्रयास तो केवल प्रयास ही रह गया है, सरकार की पिछले 6 वर्षों से भाजपा सरकार का शासन है। मैंने तो आपको आंकड़े भी दिए कि सरकार ने 300% सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्स कलेक्शन में वृद्धि हुई है, और मुझे बताइए यदि सरकार को पेट्रोल और डीजल के मूल्य की इतनी ही चिंता है तो इस वर्ष के वित्तीय बजट में सरकार ने क्यों पेट्रोल और डीजल पर विशेष तौर पर एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर लगा दिया, इसके पीछे का कारण क्या था, क्या ये स्पष्टता करेंगे यहाँ पर इस चर्चा में। भाजपा सरकार का उद्देश्य और जन विरोधी चेहरा अब इस पूरे देश के समक्ष उजागर हो चुका है और इसी उद्देश्य को लेकर और उसी के उपलक्ष्य में आज भारत तो जन आंदोलन करने का सोच रहा है, जिस तरह से सचिन पायलट ने कहा कि सिर्फ प्रदर्शन से नहीं जन आंदोलन करना पड़ेगा, तो क्या अब कांग्रेस जन आंदोलन लेके आएगी। अवश्य क्यों नहीं, हम देश के लोगों के लिए लड़े थे स्वतंत्रता संग्राम में भी और अभी भी इस भाजपा सरकार की अहंकारी नीतियां और तानाशाही के विरुद्ध भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता लड़ता है और लड़ता रहेगा, क्योंकि हमारा उद्देश्य है पेट्रोल और डीजल को लेकर, इसलिए तो आज पूरे देश में धरना प्रदर्शन हो रहा है, क्योंकि हम सदैव जनता के साथ खड़े रहते हैं। ठीक है विवेक जी, महामारी की स्थिति है, यह पूरा देश समझ रहा है कि महामारी है कोरोना की, लेकिन आपातकालीन स्थिति भी तो पैदा हो गई है, तो आपात धन की भी तो जरूरत पड़ेगी, उस पर भी तो हमें कहीं ना कहीं सोचने की जरूरत है ना। जी बिल्कुल, सरकार की जो प्रचलित जिम्मेदारी है अपनी जनता के प्रति, गरीब जनता के प्रति, जो आज 2 जून की रोटी रोजगार पाने में सक्षम है, सरकार ने उनके लिए खाद्यान्नों के भंडार खोल दिए और उनको राशन मुहैया करा रही है, ऐसी तमाम जन कल्याणकारी योजनाएं जो भारत सरकार के द्वारा दी जा रही है उनको सुचारू रूप से चलाने के लिए भारत सरकार को धन की आवश्यकता है, और जो इन आज की डेट में जो आर्थिक स्रोत जन कल्याणकारी नीतियां चलानी है तो हमें पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा करना है, जहां से हम शुरू हुए थे वहीं पर हम खत्म हो गए कि अगर विकास की राह बढ़ानी है तो पेट्रोल और डीजल में भी विकास की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया है आप दोनों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जिस तरह से हमने चर्चा शुरू करी थी कि विकास महामारी के बाद अगर उसे रफ्तार देनी है तो वो सिर्फ सरकार को लग रहा है कि पेट्रोल और डीजल के दामों में निरंतर बढ़ोतरी करके ही विकास आ पाएगा, लेकिन वो ये नहीं समझ रहे हैं
कि जिस जनता से वो ये टैक्स वसूल रहे हैं, जिस जनता के लिए जन कल्याणकारी नीतियां वो लेकर आने की बात करते हैं, वही जनता का पैसा ही वो उन पर इन्वेस्ट करते हैं। ये बात समझने की जरूरत है कि आप उन्हीं से टैक्स लेकर अगर उन पर जन कल्याणकारी नीतियां उनके लिए लेकर आ रहे हैं तो आप इसमें कोई एहसान नहीं कर रहे, ये आपका कर्तव्य है क्योंकि सरकार आपकी है, जनता ने आपको चुना है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, हम फिर हाजिर होंगे किसी बड़े मुद्दे के साथ। आप कहीं मत जाएगा, देखते रहिए प्राइम टीवी।